Hey guys, welcome back to another vlog. स्वागत है आप सबको एक और नया ब्लॉग में. कैसे हो आप सब, कमेंट कीजिए. दिन कैसा चल रहा है वो भी बताए. आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, इसीलिए दिल दुखता है मेरा. तो हम लोग थोड़ा सा अभी यहाँ पर धूप खाने के लिए आए. एक्चुअली मैं सुबह से घर पे बैठकर, तू भी पढ़ रहा था क्या? धूप खाने के नहीं, धूप ना. तू सुबह से क्या कर रहा था ये बता. बस नींद से उठा, ये का दर्द है, ये का दर्द का ठीक किया थोड़ा सा. उसके बाद खाया बाया, उसका थोड़ा सा किताबें लेके बैठा था, साला देखने से नींद आ गया. एक्चुअली मैं भी सुबह से उठकर कुछ मतलब मैथ्स वगैरह प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर रहा था, तो अभी अभी उठकर यहाँ से सीधा यहाँ पर आया हूँ. क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, हमारे घर पे बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, एक्स्ट्रा ठंड रहता है ऐसा लग रहा है. मतलब आसपास के एरिया से 2-3 degree कम तो होगा ही होगा. छोटा एयर कूलर बोल सकते हो मेरे घर को. तो यहाँ पर कुछ देर धूप धूप खाने के बाद अब घर जाके क्या करूंगा. मैं जाने वाला हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए वहां पर उस साइड में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा. बोलो बस बस कर पगले, और कितना रुलाएगा. बहुत दिनों से साफ भी नहीं किया इसको, जिसके कारण ये धूला धूल इसमें इसमें धूल जम गया है. एक्चुअली इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो चुका है, जिसके कारण मेरा ये साइकिल हालत खराब हो गया. अरे मेरा देखेगा तो तुमको रोना आ जाएगा. साला 10 दिन से उसको चलाया है, मिट्टी में धस चुका है ये. मेरा महीने भर से ऊपर हो जाएगा. एक्चुअली गाइस मेरा जब से ट्यूशन बंद हो चुका है उससे, उस दिन से मेरा इसको चलाना हुआ ही नहीं है. बहुत ही कम चलाता हूँ उसको. जब से मेरा एग्जाम चालू हो चुका है तब से सब कुछ बंद है. होगा बहुत हो गया यार, बहुत साफ हो गया. आउच, किडनी में दर्द हो रहा है खाने से पहले. भाई साहब साइकिल के यहाँ पर पार्क कर दिया, टिफिन खाने के लिए आया है. तो भाई साहब खा रहे हैं डीम के साथ बिरयानी, हम खा रहे हैं रोटी के साथ सब्जी. हम थोड़ा खाना खाना खा लेते हैं. हो गया आपका? अभी तक नहीं हुआ. चलिए चलिए, बहुत हो गया. हम कैसे जा रहे थे? भाई साहब हम इनके आंगन में आ गए. देखिए आंगन के ऊपर से साइकिल चला रहा है. सामने से फिर से गाड़ी आ रहा है. गाइस हुआ ये कि इसकी इसकी पैरों में लग गया, ठंड में लग गया इसको. ठंड में मतलब कौन आई सोतंगी से ना यहाँ पर गई लग गए इसकी. मतलब अचानक से उछल के यहाँ पर आ गया ये. अरे ये उछल के आ गया अचानक से, खाट खटिया में आ गया.